जैन दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपनी पीपीटीटी स्टोरीज के बारे में। तो अभी तक मैं 5 बार स्क्रीन डेथ हो चुका हूँ, 2 बार आर्मी के लिए, 2 बार नेवी के लिए और 1 बार कोस्ट गार्ड के लिए। तो इस पीपीटीटी में मेरा क्या अप्रोच रहता है स्टोरी लिखने के लिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीपीटीटी में हम लोगों को स्टोरी में क्या और कैसे अप्रोच करना चाहिए। हम लोगों को जैसे बताया जाता है कि हम लोगों को 3 चीजें लिखनी होती हैं किसी भी स्टोरी को लिखने के लिए, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करेंटली गोइंग ऑन एंड व्हाट इज द फ्यूचर आउटकम। तो ये जो 3 पार्ट होते हैं इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। तो वो 4 पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि उसमें पिक्चर में क्या प्रॉब्लम आपको दिख रही है, फिर उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्शंस, 4 से 5 मिनिमम एक्शंस होने चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और फाइनल इज कंक्लूजन, एक स्टेटमेंट होगा जो कंक्लूड करेगा कि व्हाट इज द फ्यूचर आउटकम ऑफ दैट प्रॉब्लम। तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ अपनी सारी पीपीटीटी स्टोरीज। सबसे पहले शुरू करूंगा जो सबसे नियरेस्ट मेरी एसएसबी हुई थी कोस्ट गार्ड की। तो उसमें जो मेरी पिक्चर थी वो पिक्चर एक ऐसी पिक्चर थी जैसे एक सीन है जिसमें एक अथॉरिटी वाली लेडी है, वो कुछ डोनेट कर रही है। 4 से 5 कैरेक्टर्स हैं पिक्चर्स में और मतलब बहुत ही वैसी रियलिस्टिक पिक्चर थी, बस उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया गया था और वो किसी को डोनेट कर रही है कुछ। तो इस पे मेरी स्टोरी थी प्रोवाइडिंग हेल्प टू द नीडी पीपल ड्यूरिंग COVID-19। तो इसमें मैंने बनाया था शाली पांडे, 31 years old, वॉज एन IAS ऑफिसर एंड पोस्टेड इन ग्वालियर एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। शी केम टू नो अबाउट द पुअर फैमिलीज एंड इंडिविजुअल्स स्ट्रगलिंग टू अफोर्ड अ मील अ डे ड्यू टू लॉकडाउन एंड COVID-19। शी आस्क्ड हर स्टाफ टू गैदर इन्फॉर्मेशन ऑफ दीज फैमिलीज, लेटर शी एनालाइज द डेटा एंड सेंक्शन फंड्स अकॉर्डिंगली। शी प्लान्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, मास्क एंड अदर बेसिक अमेनिटीज रिक्वायर्ड बाई द फैमिलीज अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। शी हरसेल्फ वॉलंटियर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम एंड रीच आउट टू द पुअर पीपल, बूस्टेड देयर मोरल, डिस्ट्रीब्यूटेड फूड ग्रेन्स, क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट COVID-19। शी ऑल्सो अशोर्ड ऑफ फ्यूचर हेल्प इन केस दे रिक्वायर्ड। तो ये स्टोरी बहुत ही मतलब कॉमन थी क्योंकि हमारी जो पिक्चर थी बहुत ही क्लियर दिख रही थी। तो ज्यादातर स्टोरीज हम लोगों की, ज्यादातर कैंडिडेट्स की स्टोरी सिमिलर लाइंस पे ही थी, तो इस पर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी और इस पर हम लोगों का डिस्कशन भी बहुत अच्छा हो गया था। और इस वाली स्टोरी में क्या था कि जो हमारी कॉमन कंक्लूजन वाली स्टोरी थी वो स्टोरी मेरी चुनी गई थी, तो मुझे नॉमिनेट किया गया था कॉमन स्टोरी को नरेट करने के लिए। तो मैंने अपनी स्टोरी नरेट कर दी थी और 2 से 4 पॉइंट्स बाकियों के ऐड करके। तो अब बात करते हैं कि दूसरी स्क्रीनिंग के बारे में जो मेरी हुई थी कपूरथला पे। कपूरथला पे मैं गया था TGC कोर्स के लिए। तो आप ये देख सकते हैं पिक्चर में जो चेस्ट नंबर 7 है वो मैं हूँ। और ये पिक्चर, ये इस पिक्चर में क्या था, बहुत ही ब्लर पिक्चर थी। मुझे ऐसा ना परसीव हुआ था कि एक बस है, उसके अंदर 4 से 5 लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने इसमें बना दिया था कि फ्रेंड्स हैं, अपनी ट्रिप पे जा रहे हैं। तो इस पे जो मेरी स्टोरी थी वो थी प्लानिंग अ ट्रिप विद ओल्ड फ्रेंड्स। जय कुमार, 34 years old, वॉज एन एसोसिएट इंजीनियर इन लार्सन एंड टूब्रो। Due to his busy schedule and workload, he was not able to meet his old friends for a long time. So he planned a trip along with his friends. He first informed his friends about the plan and made a WhatsApp group of the interested friends. He along with his friend on Zoom call decided the destination and made the itinerary. He also divided the task among his friends like booking hotels and food arrangements, train tickets, equipments for the trip. The day came, Jay and his friends executed the plan, visited various tourist spots, clicked photographs and enjoyed their reunion after long time and returned safely after the trip. तो ये भी ये वाली पिक्चर थोड़ी सी ब्लर थी, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की थीम्स बिल्कुल डिफरेंट थी। कुछ लोगों ने पॉल्यूशन पे बनाया था, कैसे कि पॉल्यूशन को कैसे टैकल कर सकते हैं, किसी को इसमें फायर दिख गई थी तो कैसे एक कंपनी में फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, कैसे वो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर सकते हैं ड्यूरिंग फायर। तो मल्टीपल स्टोरीज बनी थी। इसके बाद बात करूंगा मैं अपनी आईनेट एंट्री की जो बैंगलोर पे हुआ था। तो बैंगलोर में गया था, तो ये जो आप देख सकते हैं पिक्चर में मेरी जो चेस्ट नंबर 2 है वो मैं हूं। तो अब बात करते हैं कि बैंगलोर में मेरे पास कौन सी पिक्चर आई थी। तो ये पिक्चर बहुत ही क्लियर थी, इसमें 4 से 5 कैरेक्टर्स दिख रहे थे हम लोगों को पिक्चर में और वो आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे। बीच में एक फीमेल खड़ी हुई थी, उसके हाथ में कुछ कॉपी या बुक जैसा कुछ था। तो इसमें मैंने स्टोरी बनाई थी कि मेरा एक्शन था ऑर्गेनाइजिंग अ कल्चरल फेस्ट इन कॉलेज। मेरा मेन कैरेक्टर मेल कैरेक्टर था अनुज दुबे, 21 years old, वॉज BTech 3rd year स्टूडेंट इन UT एंड ऑल्सो अ मेंबर ऑफ कल्चरल साइन ऑन। सीनियर्स गेव हिम द अपॉर्चुनिटी टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल फेस्ट।
He took the opportunity as a challenge to learn new things. He first selected volunteers from the junior years and divided the different tasks among them, like decorating the venue, inviting guests for the fest, selecting interested students for participating in various events. He himself took the responsibility of bringing sponsorship for the events and met various companies, explained them about the event and got sponsorships. At last, he revisited all the arrangements and felt proud of his team. The day approached, cultural fest was organized smoothly and whole college enjoyed, and Anuj thanked his team for their efforts. तो ये वाली स्टोरी बहुत सही हो गई थी. और यहाँ पे भी क्या था कि जो थीम थी सब कैंडिडेट्स की डिफर कर रही थी. कुछ लोगों ने बनाया था कि प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एक ग्रुप है जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है अपने फाइनल ईयर के, या कुछ लोग हैं जो सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहे हैं वॉलंटियर्स की तरह या एनजीओ की तरह. तो आप इसमें डिफरेंट थीम्स ले सकते हैं. तो अब बात करते हैं मेरी दूसरी आईनेट की एंट्री के लिए, जिसमें मैं स्क्रीन इन हुआ था. ये था भोपाल, जहाँ पे 33 SSB भोपाल के लिए मैं गया था. तो आप ये फोटो में देख सकते हैं, जो चेस्ट नंबर 9 है वो मैं हूँ. तो अब बात करते हैं कि इसकी पीपीटी की स्टोरी क्या थी और पिक्चर कैसी थी. तो ये वाली पिक्चर बहुत ही क्लियर थी. इसमें दो कैरेक्टर्स दिख रहे थे, एक मेल था एक फीमेल था, और ऐसा लग रहा था कि ये बैकग्राउंड में किसी रेस्टोरेंट या कैफे में बैठे हुए हैं. तो इस पे मेरी स्टोरी थी, मीटिंग फ्रेंड आफ्टर लॉन्ग टाइम. आयुष पांडे, 22 इयर्स ओल्ड, वॉज बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट इन MMUT. He was preparing for placements, due to which he was not able to meet his friend Surbhi Tiwari for long time. He came to know that he got selected in a MNC. So he informed his friend Surbhi about this good news. She congratulated him and Ayush asked her if she is free so that they can meet and celebrate this moment, this special moment. Surbhi was excited to meet him. So Ayush planned a meet. After that, they both decided the time and venue to meet. Ayush booked the table in advance at a fancy restaurant to avoid end time rush. The day came, he picked her up from her home, reached the restaurant and had dinner. Both were excited and they talked about their future plans, other stuff. At last, Ayush dropped her at her home. तो ये वाली पिक्चर में बहुत सारे लोगों की स्टोरीज डिफरेंट थी. जैसे कि कुछ था कि वो किसी बिजनेस डील को वो क्रैक करने के लिए एक मीटिंग कर रहे हैं एक रेस्टोरेंट में, या किसी दोस्त के साथ आउटिंग पे गए हुए हैं. तो बहुत सारी थीम्स इस पे बन सकती हैं. तो अब मैं बात करूंगा अपनी वो वाली स्टोरी के बारे में, जो मतलब मैं 12th के बाद गया था TES एंट्री के लिए. तो ये बहुत ही पुरानी हो जाएगी. ये भी बैंगलोर में ही थी, 17 SSB बोर्ड था. तो आप इसमें देख सकते हैं चेस्ट नंबर जो 6 है वो मैं हूँ. तो इस पिक्चर में अभी ये बहुत जैसे पुरानी पिक्चर थी, लेकिन मुझे ये याद क्यों है, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट SSB थी जिसमें मैं स्क्रीन डेन हो गया था. तो मुझे इसकी स्टोरी आज तक याद है, या वो पिक्चर क्या थी वो मुझे आज भी याद है. तो इसमें क्या था, मुझे दो कैरेक्टर्स दिख रहे थे. एक बंदा न्यूज़पेपर लेके बैठा हुआ है और ऐसा लगता था पीछे एक टी स्टॉल है और उसके बगल में एक छोटा सा बच्चा काम कर रहा है. तो इस पे मैंने क्या स्टोरी बनाई थी, हेल्पिंग पुअर चाइल्ड. तो सुघोष सिंह, 30 इयर्स ओल्ड, वॉज जनरल मैनेजर एट SBI. वन डे व्हेन ही वॉज गोइंग फॉर हिज ऑफिस, ही सॉ अ स्मॉल बॉय वर्किंग एट अ टी स्टॉल. ही अप्रोच द टी स्टॉल एंड टॉक टू द ओनर अबाउट द बॉय एंड आस्क्ड हिम नॉट टू एम्प्लॉय स्मॉल बॉयज एज इट इज इलीगल. He talked to the boy and came to know about the reason that boy was forced to work. He immediately approached his parents and offered monetary help, and also made them aware about the importance of education, and also created awareness regarding various schemes through which they can educate their child. He also helped him getting admission in government school. At last, Sugosh was happy to see that boy in school uniform and going to school. He also assured him of future help. तो ये वाली स्टोरी भी मेरी मतलब उस टाइम मतलब 10+2 के बाद जस्ट मैं गया था SSB देने. तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि बहुत सही स्टोरी लिख दी थी, लेकिन मुझे लगता है इसमें एक्शंस की कमी थी. तो आप एक्शंस देख लीजिएगा, आप इम्प्रोवाइज कीजिएगा, बिल्कुल सेम स्टोरी मत छाप दीजिएगा. क्योंकि आपको ना आइडिया लेना चाहिए दूसरों से, मतलब आप आइडियाज सोच सकते हो, मल्टीपल आइडियाज पे काम कर सकते हो, और फिर उसके बारे में एक पिक्चर पे आप 4-5 स्टोरीज के आइडियाज और थीम्स पे काम करो, और फिर आप उस पर कितने एक्शंस लिख सकते हो जिस थीम पे आप, अगर जैसे आपने कोई थीम सोची और उस पर आपको 4-5 एक्शंस दिख रहे हैं, कर सकते हो आप, लिख सकते हो, तो जरूर आप उस पर एक स्टोरी लिख के देखिए. इससे आपकी ना प्रैक्टिस होगी, आपको अवेयरनेस आएगी कि चीजों को करने का ढंग कैसा होता है, मतलब प्रोसीजर क्या होता है किसी भी चीज को सॉल्व करने का, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. तो ऐसे ही आप मेरी इन स्टोरी से आप हेल्प ले सकते हैं कि कैसे स्टोरी लिखनी चाहिए,
और कैसे नरेशन करना चाहिए। नरेशन आपको बहुत ही क्रिस्प होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए और सबको समझ आना चाहिए कि आपकी स्टोरी का आइडिया क्या है और आपके एक्शंस क्या है, क्योंकि आपके एक्शंस बताते हैं कि आप कैसे काम करते हैं अपनी रियल लाइफ में। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है या हेल्प करती है अगर ये वीडियो, तो जरूर डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए और लेके आऊंगा अगर आप मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे और मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।